दुनिया ने कल भारत की शक्ति महसूस की, उन्होंने चांद पर भारत की छाप देखी। चंद्रयान 3 ने जब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया तो दुनिया पहले हैरान हुई, लेकिन उसके बाद जब प्रज्ञान बाहर निकलकर चांद की जमीन पर अशोक स्तंभ और इसरो की छाप छोड़ते हुए आगे बढ़ा तो उस चिन्ह ने दुनिया को अंतरिक्ष की नई महाशक्ति भारत से मिलवाया। कल शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने चंद्रमा की जमीन को छुआ। अब उससे बाहर निकला रोवर प्रज्ञान अपने हिस्से का मिशन पूरा करने के लिए चल पड़ा है। इसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। ये रोवर प्रज्ञान की तस्वीर है जो लैंडर विक्रम से निकलकर चांद की जमीन की ओर बढ़ रहा है। रोवर से चांद की जमीन कैसी दिखी वो तस्वीरें आप खुद देखिए। यही नहीं, रोवर के पहियों पर अशोक स्तंभ और इसरो का चिन्ह है जिसकी छाप कुछ इस तरह से चांद की जमीन पर नजर आ रही है। 6 पहियों और 26 किलो वजनी रोवर प्रज्ञान ने चंद्रमा की सतह पर घूमना शुरू कर दिया है। चांद की सतह पर आते ही रोवर ने सबसे पहले अपने सोलर पैनल को खोला ताकि वो सूर्य की रोशनी से चार्ज होता रहे। रोवर प्रज्ञान 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है। वो अपने आसपास की सभी चीजों को स्कैन करता जा रहा है। चांद की जमीन और उस पर दिखने वाली चीजों को स्कैन करने के लिए रोवर प्रज्ञान में नेविगेशन कैमरा लगाया गया है। रोवर प्रज्ञान अगले लगभग 12 दिनों में करीब 500 मीटर की दूरी तय करेगा। प्रज्ञान में 2 तरह के पेलोड लगे हुए हैं जो पानी और कीमती धातुओं को तलाशेंगे। रोवर प्रज्ञान चांद से जुड़े कई तरह का डेटा इकट्ठा करेगा जिसे पहले वो लैंडर विक्रम को भेजेगा। लैंडर विक्रम इस डेटा को चांद के ऑर्बिट में घूम रहे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को भेजेगा। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर इस डेटा को पृथ्वी तक भेजेगा। चंद्रयान 3 मिशन का सबसे महत्वपूर्ण काम अब शुरू हुआ है। सबसे बड़ा काम है चंद्रमा पर पानी की तलाश को आगे बढ़ाना, जिसके संकेत वर्ष 2008 में चंद्रयान 1 से मिले थे। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान दोनों अपना अपना रिसर्च शुरू कर चुके हैं। जिन उपकरणों की मदद से यह रिसर्च शुरू हो रही है उसे वैज्ञानिक अपनी भाषा में पेलोड कहते हैं। लैंडर विक्रम में 3 पेलोड और रोवर प्रज्ञान में 2 पेलोड लगे हुए हैं। सबसे पहले तो हम आपको लैंडर विक्रम में लगे पेलोड के बारे में बताना चाहते हैं। लैंडर विक्रम में 3 पेलोड लगे हुए हैं। उसमें पहला है रंभा, यानी रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। ये पेलोड चांद की सतह पर सूरज से आने वाले प्लाज्मा कणों के घनत्व, मात्रा और बदलाव की जांच करेगा। दूसरा पेलोड है चैस्टे, यानी चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये चांद के सतह के तापमान की जांच करेगा। तीसरा पेलोड है इल्सा, यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ लूनर सेस्मिक एक्टिविटी। ये लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों की जांच करेगा। इसी तरह से रोवर प्रज्ञान में 2 पेलोड लगे हुए हैं। पहला है APXS, यानी अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप। ये चंद्रमा की सतह का एक्सरे करके धातुओं का पता लगा रहा है। ये चांद की जमीन पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम जैसी धातुओं की खोज कर रहा है। दूसरे पेलोड को कहते हैं LIBS, यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। इसका काम है चंद्रमा पर मौजूद केमिकल कॉम्पोजिशन का पता लगाना। लेकिन आपके दिमाग में यह भी सबसे बड़ा सवाल आया होगा कि आखिर चंद्रयान 3 का विक्रम और प्रज्ञान चांद पर पानी की खोज कैसे करेगा। तो हमने इस पर एक एक्सपर्ट आकाश सिन्हा से बात की। आकाश सिन्हा ने रोवर प्रज्ञान के नेविगेशन सिस्टम का सॉफ्टवेयर तैयार किया है। उनसे हमने कई तरह के सवाल किए थे। जी न्यूज चंद्रयान 3 से जुड़ी हर एक खबर आप तक पहुंचा रहा है शुरू से। अब वो सफल लैंडिंग हो चुकी है तो उसके बाद भी वो छोटी छोटी बारीकियां, वो जो रोवर है वो अपना क्या कमाल दिखा रहा है, उन सब के बारे में सारी छोटी छोटी चीजें आपको समझाएंगे। और वो भी आज खास मेहमान हमारे साथ हैं, आकाश सिन्हा जी, जो खुद इस प्रोजेक्ट से लगातार जुड़े हुए थे, इस पूरे इंडिया के मून मिशन से जुड़े हुए थे, इसरो के साथ बहुत करीब के साथ काम कर रहे थे। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। लेकिन सबसे पहले अभी सफल लैंडिंग के बाद रोवर किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, अभी उसकी ताजा तस्वीर अगर आप समझाएं।
तो देखिए, अभी रोवर जब बाहर निकला है उसको अपनी बैटरीज चार्ज करनी है, और अभी थोड़ा सा ये ज़रूर है कि वहाँ पे सन का एंगल इतना लो है कि अभी थोड़ा उसको बैटरीज चार्ज करने में टाइम लगेगा, और जैसे उसकी बैटरीज चार्ज हो जाती हैं अच्छे से, सन का एंगल थोड़ा इम्प्रूव हो जाता है, तो उसके बाद रोवर और अच्छे से अभी करेगा फंक्शन। अभी भी वो काम कर रहा है, बस उसको चार्जिंग में थोड़ा पूरी पर्याप्त सनलाइट नहीं मिल रही है। सर, आपकी तरफ से परसेप्शन नेविगेशन सॉफ्टवेयर तैयार किया गया, इसको अगर आप समझाएं, और अगर हम आज रोवर को समझे कि विक्रम लैंडर से जब वो रोवर बाहर आ रहा है वो किस तरह से पूरी अब चीजें उसको परफॉर्म करनी है, और वो आगे का स्टेप को अगर आप थोड़ा इलैबोरेट कर पाए हमारे। तो एक चीज समझिए वरुण जी, कि रोवर को वहां पे कोई कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, और रोवर पूरी तरह से ऑटोनोमस है, और रोवर को जो उसे दिख रहा है, और उसमें ना हमने सिर्फ दो आंखें लगाई हैं, दो कैमरास, बहुत बेसिक सेंसर्स, हमने कोई भी महंगा या भारी सेंसर ऐसा नहीं लगाया जिससे कि उसका साइज़ वेट या कॉस्ट बढ़ जाता, बट हमने बहुत स्मार्टनेस उसके सॉफ्टवेयर में डाली है। जैसे हम अपनी दो आंखों से सारा 3D आसपास का अपना समझ लेते हैं, उसी तरह से रोवर अपनी दो आंखों से एक 3D मॉडल बनाएगा चांद की सतह का। उस 3D मॉडल को बना के उसको पता चल जाएगा कि उसके सामने कोई पत्थर है क्या, अगर पत्थर है तो उसकी हाइट कितनी है, उसकी दूरी कितनी है, वो किस एंगल पे है, या सामने कोई क्रेटर है, क्रेटर का डेप्थ कितना है, वो कितनी दूर है, और इन सब चीज़ों को जानने के बाद उसे जिस टारगेट पॉइंट पे पहुंचना है उसके लिए वो एक पाथ अपने आप से खुद ब खुद प्लान कर लेगा, और फिर वो पाथ प्लान करके उस पॉइंट तक पहुँच जाएगा। तो ये सारा का सारा काम पूरी तरह से ऑटोनोमसली हो रहा है। अगर चांद से हम इमेजेस डाउनलोड करना चाहें तो हमें एक एक इमेज को लाने में करीब 10 मिनट का वक्त लग जाएगा, तो इसलिए वो पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए हमने इसके सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन ऐसा रखा कि सब कुछ रोवर पे ही प्रोसेस हो, और रोवर वहीं पे प्रोसेस करके खुद से अपने डिसीजंस लेके वहाँ पे मूव कर सके चांद की सरफेस पे। बिल्कुल सर, रोवर का वेट भी लगभग 26 kg के आसपास का है, तो उस पे क्या कुछ चीज़ें हैं, इसके साथ और क्या सेंसर्स हैं, और उसने बहुत सी ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जिस पे निर्भर हम कर रहे हैं कि अब जो साउथ पोल के बारे में खास जानकारी है वो रोवर ही हमें बताएगा, तो किस तरह से परफॉर्म करने वाला है काम, किस तरह से वो धरती को वहां पर जाने का समझेगा, क्या क्या कुछ है उसमें, क्या इक्विपमेंट्स लगे। उससे पहले आपने साउथ पोल का जिक्र किया, तो एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि साउथ पोल बहुत ही खास जगह है, इसलिए क्योंकि 50 साल से नासा ह्यूमन सिविलाइजेशन वहाँ पर जा रही थी पर चांद पर कुछ खास मिला नहीं। इसरो का चंद्रयान 1 पहली बार जब गया तो उसने वहाँ पर पानी ढूंढ लिया, और पानी भी इतनी भारी मात्रा में वहाँ पर एक सस्पेक्टेड है कि आप समझिए पूरी एक डल लेक को हम भर सकते हैं, इतना पानी है, वो पानी सारा फ्रोजन है। पर क्योंकि इतना पानी है तो अब होप बढ़ गई है कि चांद पे एक ह्यूमन सेटलमेंट बनाया जा सकता है, हम उस बर्फ़ के अराउंड मे बी एक डोम जैसा बना के ह्यूमन कॉलोनीज बना सकते हैं, बर्फ तोड़ के पानी बना सकते हैं, प्लांट्स उगा सकते हैं, ऑक्सीजन बना सकते हैं, हाइड्रोजन बना सकते हैं, हाइड्रोजन से रॉकेट फ्यूल बन सकता है, तो हमारा पूरा वहाँ पे एक स्पेस सेंटर हो सकता है, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर, जिससे कि हम अगले मिशंस मार्स के, सैटर्न के, जुपिटर के प्लान कर सकते हैं, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसी के साथ आप देखेंगे एक नई लूनर रेस शुरू हो गई है, सब हर एक कंट्री चांद पे जाना चाह रहा है, चाहे रशिया हो, चाहे अमेरिका हो, इसराइल हो, जापान हो, यूके हो, कोई भी, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है अब, और हम इसीलिए वहाँ पे गए हैं। हालांकि आप देखिए कोई कंट्री आज तक वहाँ लैंड नहीं कर पाया, वो बहुत ही चैलेंजिंग जगह है, ना तो वहाँ पे धरती का क्लियर लाइन ऑफ साइट है, ना वहाँ पे पर्याप्त रोशनी जाती है, और वो बहुत ही उबड़ खाबड़, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रेटर या गड्ढे हैं, इसलिए बहुत चैलेंजिंग था, पर हम वहाँ पे गए क्योंकि वहाँ पे पानी है। और जब रोवर वहाँ पे जाएगा तो रोवर में आप समझिए कि एक ड्रिलिंग की छोटी सी सुविधा है, वो कुछ चीज़ों को ड्रिल करके सैंपल ले सकता है, उसके पास एक स्पेक्ट्रोमीटर सेंसर है जिससे कि सैंपल को ऑब्जर्व करके वो पता कर सकता है कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, क्या उसमें वाटर है, क्या उसमें कोई और खनिज है, क्या कोई और रेयर अर्थ मटेरियल है, तो ये सारी चीज़ें उसको पता चल सकती हैं। जैसे ये भी हो सकता है कि वहाँ पे बहुत मात्रा में यूरेनियम हो या गोल्ड हो, और अब एक नया इंटरेस्ट आ रहा है स्पेस टूरिज्म और स्पेस माइनिंग में, और ये दोनों बहुत बड़े बिजनेस बनने वाले आने वाले टाइम में, तो उसके लिए भी हमें बहुत अच्छा पोजिशन कर दिया है इस मिशन की कामयाबी ने। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की असली खुशी श्रीहरिकोटा के इसरो सेंटर में देखने को मिली थी। इसरो के हर वैज्ञानिक के चेहरे पर सफलता की मुस्कान थी, लेकिन इस मिशन का सबसे बड़ा श्रेय जाता है इसरो के चेयरमैन SP सोमनाथ को। चंद्रयान 3 की सफलता पर हमने इसरो के चेयरमैन से खास बातचीत की। इस सफलता के बाद
आगे कौन से मिशन के लिए इसरो तैयार हो रहा है, इस पर भी हमने उनसे बात की। इसरो ने भारत को उस मुकाम पर चांद पर पहुंचा दिया है जहां दुनिया में आज तक कोई नहीं पहुंच पाया, और इस खुशी में हमारे साथ और देशवासियों को साथ साझा करने के लिए खुद इसरो चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ हैं। सर, जी न्यूज़ पर आपका बहुत स्वागत है, और सबसे पहले तो जी न्यूज़ के सभी दर्शकों की तरफ से आपको इस कामयाबी के लिए बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने जो मुकाम हासिल किया वो वाकई में देश का माथा गर्व से ऊंचा कर रहा है। Thank you for your blessings, and all of you are praying for the success of the mission. So I am very grateful for all of that. Yes. Sir, Vikram Lander जब land किया, हम लोगों ने देखा, पूरा देश आपको उस समय देख रहा था, लेकिन उसके बाद challenges आपके लिए क्या क्या थे, क्योंकि rover तब तक बाहर नहीं आया था, कितनी बजे rover बाहर आया? See, after landing there is lot of activities. हमको इस check करना था कि इसका inclination कितना है, tilt how much है. So we found that it is very very benign. It was only 6 degrees. हमको ये terrain के बारे में कुछ तो photograph लेके हमको check करना है, तो हमको क्या हमारा rover बाहर निकल सकता है या नहीं. So then we have to look at temperatures. So temperature तो benign होना ही चाहिए. इसके बाद तो हमने तो नहीं तो हमारा heater on करके उसको वार्म करके थी डिप्लॉयमेंट कर सके. जरा मैकेनिज्म्स अंदर है, सो मैकेनिज्म को ख़राब होने की कई चांस है. सो लैंडिंग के समय दो डस्ट होता है, उसका डस्ट को जाम करेगा. सो इस सब के चेकिंग के बाद हमने ये देर इज़ ए रैम्प डिप्लॉयमेंट सीक्वेंस है. दूसरा रैम्प है, पहला रैम्प भी है, तो दोनों रैम्प को हमको डिप्लॉय करना है. सो डिप्लॉयमेंट तो हुआ उसी समय. उसके बाद लैंडर को निकालने में कई डिफ़िकल्टीज है. एक डिफ़िकल्टी ये कि हमारा ग्राउंड स्टेशन का विजिबिलिटी है. सो इसलिए उस समय हमारे हमारे जो बैलालू में और 32 मीटर विजिबिलिटी से बाहर निकल गया. सो हमको एक और एक ग्राउंड स्टेशन, इंटरनेशनल ग्राउंड स्टेशन को इसमें डालना पड़ा. सो उसके सम चेकिंग करने की ज़रूरत थी. सभी के बाद अगेन ये रोवर रैम्प ओपन हुए तो सब टेम्परेचर तो कम हो जाएगा. आधे घंटे में सेल्फ द टेम्परेचर विल ड्रॉप बाय 30-40 डिग्रीज. सो इफ पूरे नीचे जाए तो हमारे मैकेनिज्म तो खराब होगा. सो इसलिए हमने ज़रूर काम किया कि वेदर इज वर्किंग वेरी वेल. देन वी ट्राइड आवर बेस्ट टू मेक द रोवर कम आउट फास्ट. सो लेट नाइट केम आउट. यानी करीब करीब 4 घंटे का वक्त लगा होगा लैंडिंग के बाद, या उससे ज्यादा वक्त लगा? ज्यादा वक्त लगा. यस. सो मैंने बताया है कि क्यों ये ज्यादा वक्त. आपने पूरी प्रोसेस एक्सप्लेन की सर. इसके बाद जो 14 दिन की पूरी मिशन लाइफ है, उसके अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स अब होने हैं, तो क्या एक्सपेरिमेंट्स शुरू हो गए हैं? डेटा आना आपको शुरू हो गया है? अभी तक कोई एक्सपेरिमेंट शुरू नहीं हुए. सो वी हैव टू वर्क ऑन दैट टुडे. पूरा देश जो है वह इस समय सुपर चार्ज्ड है. सर, जिस जगह पर हम पहुंचे हैं उस लैंडिंग साइट की अगर कुछ विशेषता आप बता सकें, क्योंकि हम साउथ पोल के करीब पहुंचे हैं, ये लैंडिंग साइट क्यों चुनी गई? Yes, we have chosen it because that this is a very good location as far as sunlight is concerned. There are no shadows. In the next 14 days, that area will not be shadowed by any hills or mountains across which the sun moves. So it gets into shadow, then temperature will drop very deep and you need to put heaters, too much energy will be spent. So that is one area. Second is this near to the South Pole, so we have more scientific content from the point of view of the instruments that we have put on board. Sir, जिस समय कल आप अपनी टीम के साथ में जुबिलिएशन में थे, उसी समय प्रधानमंत्री मोदी ने भी आपको फोन कॉल किया था, आपसे बात की, क्या कुछ उन्होंने कहा? और उन्होंने कहा कि आपका नाम तो वैसे ही चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, सोमनाथ. आप सब सुना है ना जो बात उन्होंने बात किया. सो सब सोशल मीडिया में आए. सो वी आर वेरी हैप्पी. आई ओनली सेड थैंक यू सर फॉर योर ब्लेसिंग्स एंड सपोर्ट. तो क्या उसके बाद भी आपकी बात हुई है, या प्रधानमंत्री की यहाँ आने की अपेक्षा की जा रही है, तो उसके लिए क्या स्पेशल तैयारियाँ यहाँ पर हैं? अगर आए तो हमने जो तैयारी किया है कि हम जो कुछ एग्जीबिशन करें, हमने कैसे चंद्रयान 3 बनाए. उसके बाद उसके जो लीडर्स है, उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, मिशन डायरेक्टर है, सेंटर डायरेक्टर है, उस सबको परिचय करें. और जो हमारे ये प्रोसेस हम कैसे ये कंट्रोल करते हैं, सबको उसको उनको एक्सप्लेन करें. सर, चांद के बाद अब इसरो की नज़र सूरज पर है. आदित्य L1 मिशन जल्दी ही लॉन्च होने वाला है. इसके आगे के जो फ्यूचर मिशंस हैं उसके बारे में अगर आप कुछ बता सकें. आदित्य के बाद हम जो करेंगे जो और इनसाइड 3DS है, ये इनसाइड 3DS है क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है. हमको जो पता है हमारे क्लाउड कवर और रेन इन्फॉर्मेशन और वेदर इन्फॉर्मेशन कम्स फ्रॉम दिस सैटेलाइट. इसके बाद हमने जो SSLV D3 का लॉन्च करेंगे.
और आवर नाइसर सैटेलाइट है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट हमारा नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग में लॉन्च करना पड़ेगा। या गगनयान का कई लॉन्चेस होंगे, पहला लॉन्च होगा सितंबर अक्टूबर तरह, उसके बाद दिसंबर जनवरी में भी। तो क्या 2025 तक हम अंतरिक्ष में पहुंचा पाएंगे गगनयान को? श्योर वी विल बी एबल टू रीच। Z News.